ये है प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा। उधमपुर में छात्रों से भरी बस हादसे का हुई शिकार, एक की मौत, 55 घायल। बार ने पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया। औरैया में बाजरे के खेत में मिला युवती का शव, ग्रामीणों में आक्रोश, भारी पुलिस बल तैनात। कंपोजिट विद्यालय में चपरासी ने लगाई गुहार, 2.5 साल से वेतन नहीं मिलने से परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। संभल में महात्मा गांधी व शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कार्यालय मोहम्मदापुर टांडा के चंदौसी महात्मा गांधी प्रतिमा का 20 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष विजय वर्शर्मा ने कहा कि बापू सत्य और साहस की मशाल हैं। बापू देश के लोगों की पीड़ा साझा करने वाले व पूरे भारत को एकजुट करने वाले भारतीय यात्री हैं। तौर से संभल जनपद में मैं कई साल से मांग कर रहा हूं कि बापू के लिए एक गज ज़मीन दे दो, तो ना तो शासन ना प्रशासन कोई ज़मीन एक गज उपलब्ध नहीं करा पाया। तो बापू ने इतना बड़ा हिंदुस्तान हमको दे दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी कि जो आज खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन बापू के लिए एक गज ज़मीन संभल में नहीं मिल रही और आज रोका जा रहा है। लगातार चौधरी साहब मैंने जगह चिन्हित करी थी, चौराया है, चारों तरफ का आगमन होता है लोगों का, बहुत अच्छा पार्क बना है, तो हमने कहा पार्क में स्थापित कर दो, लेकिन प्रशासन लगाने को तैयार ही नहीं है बापू। तो आप लोग क्यों रुक गए हैं यहाँ पर? अब पुलिस जब जाने नहीं दे रही तो रुकना तो पड़ेगा ही। बुलंदशहर के विद्युत वितरण खंड खुर्जा क्षेत्र में सोंदा के गांव में अवैध वसूली का खेल चरम सीमा पर दिख रहा है। बिजली विभाग में कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी फूके ट्रांसफार्मर और बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहचान लाइनमैन योगेश और प्रवीण के रूप में पहचान की गई है। जानकारी के मुताबिक इन कर्मचारियों के खिलाफ कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, खबर बुलंदशहर से है। विद्युत वितरण खंड खुर्जा क्षेत्र के सोनदा के गांव में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें कर्मचारी फूके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से विशाल मौजूद है। विशाल, ट्रांसफार्मर को बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली चल रही बिजली कर्मचारियों के द्वारा, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और इस पे क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? मैं आपको बता दूं मनीष जी, ये जनपद की बुलंदशहर के खुर्जा विद्युत खंड का मामला है, जो जो संध्या कर्मी है, जो लाइनमैन है, उनको रुके हुए ट्रांसफार्मर को ग्रामीण से अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आए दिन ऐसे लोगों पर, अवैध वसूली करने वालों पर आए दिन कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी जा रही है। विशाल, बिजली विभाग के अधिकारियों को जब ये मामला संज्ञान में दिया गया तो उन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की है और उस अवैध वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है इस पे? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, इसमें अभी जांच की गई है, उसके बाद में सस्पेंड के आदेश दिए जाएंगे। जी विशाल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर कुशीनगर से, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो का बुरा हाल हो गया है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर
पूछताछ में जुट गई है। थाना तुरपट्टी के अम्बा तिवारी नामक गांव में एक व्यक्ति विकास प्रसाद का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वहां पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी भेजी गई थी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इस लड़के का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और इस लड़की से मिलने ये लड़का गया था, जहां पर लड़की के परिजनों के द्वारा इन दोनों को देखा गया और इसी आवेश में आकर लड़की के परिजनों के द्वारा इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मौके से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से आला कत्ल चाकू और लाठी को भी बरामद किया गया है। मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया में दबियापुर थाना क्षेत्र में दबियापुर कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर समाज सेवी अन्नू पाल के बेटे और पत्नी ने दिल्ली हावड़ा मार्ग पर कोरोना काल से बंद हुई ट्रेन के ठहराव को लेकर बिना परमिशन के बैनर लगाकर भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को जैसे ही हुई मौके पर पहुँच के सीओ व पुलिस प्रशासन ने माँ और बेटे को जबरन धरने से उठाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 2 अक्टूबर का बताया जा रहा है। वहीं पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 लागू है और कोई भी भीड़ और जन जमाव जिसकी पूर्व से अनुमति नहीं ली गई है प्रशासन से उसे नियम विरुद्ध माना जाएगा। अतः मैं SP औरैया चारू निगम आप सभी से अपील करती हूँ कि किसी भी विधि विरुद्ध जन जमाव में प्रतिभाग न करें। कोई भी जो भी इस प्रकार की अपील करेगा और अफवाह फैलाते हुए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करेगा और किसी भी गैरकानूनी विधि विरुद्ध जन जमाव में प्रतिभाग करेगा उसके विरुद्ध कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर औरैया से, इस खबर पर हमारे साथ ऋषि जुड़े हैं। ऋषि, धरना प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, माँ बेटे दोनों को हिरासत में भी लिया गया है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला दिव्यापुर थाना क्षेत्र के दिव्यापुर कस्बे का है, जहां पर माँ और बेटे एक रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे, क्या उन्होंने इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी प्रशासन को बिना सूचना दिए हुए, क्योंकि उनका आरोप था कि यहाँ पर कोरोना काल में जिस तरीके से ट्रेनें रुकती थी, लोकल के लोग जो है दिल्ली और हावड़ा के लिए जाया करते थे, कानपुर के लिए जाया करते थे, वो ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इसकी सूचना पर जो है पुलिस को लगी कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पहले ही 144 लगा दी थी, जिसको लेकर 144 के लेकर वहां ब्लॉक के पुलिस पहुंची और इन लोगों को मना किया। जब मना करने पर ये लोग नहीं माने तो जबरन इनको गाड़ी पर बैठा के इनको थाने ले जाकर 151 का चालान किया। जी जी ऋषि, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कन्नौज में पुलिस और SOG ने 12 क्विंटल की चंदन की लकड़ी पकड़ी है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया दें कि लकड़ी की कीमत लगभग 75 लाख रुपए की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक DSP में भरकर चंदन की लकड़ी कन्नौज ले जाई जा रही थी। कन्नौज पुलिस ने आज अवैध चंदन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके तार राजस्थान से जुड़े हुए थे और गुजरात से भी जुड़े हुए थे। इस गिरोह के सदस्य अवैध रूप से तस्करी की हुई चंदन की लकड़ी को डिमांड पर विभिन्न स्थलों पर पहुंचाते थे। बलिया में कंपोजिट विद्यालय कोटवा नारायणपुर व कार्यरत चपरासी ने DM और BSF से गुहार लगाई है, साथ ही बताया कि पिछले 2.5 साल से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। वहीं पीड़िता के पत्नी की माने तो रिश्तेदार और मित्र ने भीख मांगकर किसी तरीके से उसका परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। इसके चलते पीड़ित कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भूख मरी के कगार पर है
अब आखिर हम क्या कर करने क्या आपने खंड शिक्षा या बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की? खंड शिक्षा बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी से भेंट किए तो वो कहे कि जाइए बीएससी ऑफिस से भेंट करिए, बीएससी से भेंट करिए। जी पहले पे आई है, क्या है मामला? मेरे पति का 2.5 वर्ष से तनख्वाह नहीं मिला। जी पहले 10 वर्ष से तनख्वाह मिलता था और ये पैन कार्ड के मामले में ये इनका गड़बड़ हो गया, पता चला है कि पैन कार्ड में गड़बड़ी है इसलिए तनख्वाह रोक दिया गया, ये डबल पैन कार्ड लगा दिए इस समय पता नहीं था। और ये जब यहाँ इधर उधर दौड़ रहे हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इनको। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चेस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस कारण उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है और देर रात डॉक्टरों की टीम ने मुलायम सिंह यादव का डायलिसिस भी किया, लेकिन अभी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सपा के कई नेताओं भी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की भगवान से कामना कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने फ़ोन करके मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना और सीएम योगी ने भी सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानना। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।